इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो भी रिएक्शन होता है, ठीक है, अभी मैंने तुमको थोड़ा टाइम पहले बताया था कि अपने पास जितने भी रिएक्शन होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उसके अंदर प्लस एंड माइनस चार्ज फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो तुमने रिएक्शन लिखा हुआ था CH4+HCl, क्या दे रहा था तुमको? CH3Cl+H2, राइट है। ये रिएक्शन हो क्यों रहा है मालूम है? सिर्फ इस रिएजेंट के वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिएजेंट क्या करता है, दो टाइप के चार्ज बनाता है, विच इज CH+ एंड Cl-, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट पे कोई भी चार्ज नहीं था, ठीक है, जिसको तुम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल भी बोल रहे हो। तो ये यहां से क्या करता है, इसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए, राइट है। क्लोरीन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग है, तो इनको न्यूक्लियस चाहिए। तो इनको सबसे बड़ा एटम कौन दिखता है यहाँ पे? कार्बन, ठीक है। इनको लगता है कि कार्बन के पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब हमको ये भी पता है कि कार्बन सिर्फ चार ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज मालूम है, इस पे अटैक करेगा ऐसे, ठीक। अब कार्बन इसको ले तो लेगा अपने पास, बट कार्बन को क्या चाहिए, ठीक है, कार्बन को तो सिर्फ चार ही बॉन्ड बनाने। अगर मान लो इसने इससे बॉन्ड बना लिया, मतलब Cl से इसने बॉन्ड बना लिया, तो इसको अपना एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये लूज करेगा तो ये बचा हुआ हाइड्रोजन इससे कंबाइन हो जाता है और H2 बना लेता है, ठीक है। अब तुमको ये डाउट रहेगा कि सर ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, तो ये रिएक्शन होता कैसे? देखो, जो क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, राइट है, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक। तो क्लोरीन क्या करता है मालूम है, इसको दो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये रिएक्शन तुमको कुछ ऐसे दिखेगी। इन तीनों बॉन्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन देगा तो दो इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे सीएल क्या कर लेगा, ऐसे बॉन्ड बना लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सीएल के। बट फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए मालूम है, इस एच प्लस, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ने क्या किया, इस हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया इसे, ठीक है। इसीलिए ये क्या बन गया, H2 के फॉर्म में चला गया, राइट। समझा कैसे हो रहा है रिएक्शन? ऐसे ही इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अगर इसमें आयंस नहीं बनेंगे, या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेंगे, तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। कैटायन एनायन बनते हैं, तब जाके ये रिएक्शन में कुछ चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। कुछ रिएक्शन तुमने देखा होगा कि कभी प्रोसीड नहीं करते हैं, पत्थर वगैरह को मैं पानी में डाल दूं तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा, वो एज इट इज पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब क्या मालूम, उस पत्थर वगैरह के अंदर चार्जेस नहीं फॉर्म हो रहे, इसके लिए वो वैसे ही पड़ा है। बट सॉल्ट वगैरह डाल दो तो कैसे फटाक से डिजोल्व हो जाता है? सॉल्ट अपने को पता है ना क्या करते हैं, Na+Cl- बना के रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के पीछे सिंपल सा रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब चार्जेस। तो जब तक चार्ज नहीं बनेंगे कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। और हमको यही देखना है कि कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझा? ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करूं तो अपने पास सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है रेजोनेंस, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आता है अपने पास मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इसके दो पार्ट भी होते हैं, एक प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, एक माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद आता है अपने पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तुमको प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद एक इफेक्ट है
इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसमें भी तुमको दो टाइप के दिखेंगे, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट, और लास्ट में एक इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें भी तुम बोलने को बोल सकते हो प्लस ई और माइनस आई। ठीक है चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। रेजोनेंस में भी दो पार्ट होते हैं, बट पढ़ाते नहीं है स्कूल कॉलेज में, प्लस आर और माइनस आर। ठीक है, तो इतने टाइप के इफेक्ट हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं अपने पास, पता है ना? अगर हम लोग नॉर्मली बॉन्ड्स को देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो या तो वो तुम्हारे पास सिंगल बॉन्ड होगा, या तो फिर डबल बॉन्ड होगा, और या तो फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट है? तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोल, कौन सा बॉन्ड बोलते हो तुम? सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक बॉन्ड होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। जब भी दो बॉन्ड होंगे, तो इसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, जब भी तीन बॉन्ड होंगे, तो ये बीच वाला बॉन्ड क्या होगा? सिग्मा होगा, और ऊपर वाला भी पाई, नीचे वाला भी पाई। मतलब अगर मैं बॉन्ड्स बनाना चालू करूं, जैसे मैं बोलूं कि दो कंपाउंड, दो एलिमेंट है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना, तो ये पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा होगा। इसके बाद मैं बोलूं एक और बॉन्ड बना, तो ये क्या बनेगा? पाई बनेगा। फिर एक और बॉन्ड बन गया, तो वो क्या होगा? पाई बनेगा। फिर एक और बना, तो वो भी क्या होगा? पाई होगा। मतलब पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे, वो सारे कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है। ठीक है, और ये जो पाई होता है, ये क्या होता है? वीक होता है। ठीक है, सिग्मा और पाई में अगर मैं बात करूं, तो सिग्मा स्ट्रांग होता है, बट अगर मैं बोलूं फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो क्या बोलोगे तुम लोग? ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर, क्योंकि देखो ना, इसमें खाली सिग्मा है। सिग्मा और पाई में कंपेयर करोगे तो सिग्मा क्या होगा? स्ट्रांग होगा, बट इसमें सिग्मा है, सिग्मा तो इसमें भी है, प्लस इसके पास एक पाई भी है। सिग्मा सिग्मा तो इक्वल हो गए, प्लस पाई भी है, तो सीधी सी बात है ना, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगेन इसके पास एक सिग्मा है और दो पाई है, तो इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, खाली सिग्मा और पाई में डिफरेंस पूछेगा तो सिग्मा स्ट्रांग होगा, बट सिंगल डबल और ट्रिपल में पूछेगा तो ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होंगे? ट्रिपल बॉन्ड। बोलो बोलना। अब रेजोनेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मॉलिक्यूल में, जिसमें ना ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होगा? पाई बॉन्ड हमेशा क्या होंगे? आगे की तरफ शिफ्ट होंगे, जैसा कि हमने बेंजीन वगैरह के स्ट्रक्चर में देखा हुआ। ठीक है, बट इनकी एक कंडीशन है, ये हमेशा कैसे होना चाहिए? अल्टरनेट पोजिशन पे होने चाहिए। तो ये बेंजीन है, ठीक है, इसका, इसमें पाई कौन है मालूम है? ये बाहर वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ये अंदर वाले क्या है? पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ, अल्टरनेट रहेंगे तो शिफ्ट करेगा, अल्टरनेट नहीं है तो शिफ्ट नहीं करेगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब कुछ सेकेंड के बाद, कुछ सेकेंड क्या, सेकेंड से भी लेस टाइम इंटरवल में, ये स्ट्रक्चर तुमको ऐसे दिखने लगेगा, राइट है? इसका बॉन्ड यहाँ पे आ चुका होगा, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। फिर कुछ टाइम के बाद ये पाई बॉन्ड वापस से आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो तुमको वापस से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ना हमेशा रोटेट करते रहते हैं आपस में, कभी ये बनेगा सॉल्यूशन में, कभी ये बनेगा, तो घूमते रहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेट करते हैं।
क्या बोलोगे इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ना तो मैं इसको लेके चलता हूँ अपने साथ में, ना तो इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब जगह पे, तो इसीलिए इनको एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऐसे, ठीक है। तुमने बुक वगैरह में देखा होगा, बेंजीन को ऐसे हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है, तो ना तो मैं बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही कंसिडर कर सकता हूँ, ना तो ये वाला, डायरेक्टली मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेंस होगा कहाँ कहाँ पे, देखो कंडीशंस क्या है। पहले तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, दो डबल बॉन्ड। दूसरी कंडीशन कि अल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड आ जाए और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तीसरी, अगेन अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ जाए और नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, तभी भी रेजोनेंस होगा। चौथा एक होता है अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड आ जाए और एक फ्री रेडिकल आ जाए। ये चारों कंडीशन में रेजोनेंस हमको देखने को मिलेगा, हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल बताता हूँ कैसे होगा। कहीं पे भी ये कंडीशन अगर देखने को मिलती है तो आंख बंद करके बोलोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, बोलो, ठीक है, बताता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन दिख रही है तुमको, राइट? डबल बॉन्ड है, फिर एक बॉन्ड खाली है, फिर एक डबल बॉन्ड है, मतलब अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है मालूम है, ये ऐसे बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट कर जाते हैं इसके ऊपर। फिर कुछ टाइम के बाद ये इसमें आएगा, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका दूसरा स्ट्रक्चर तुमको कुछ ऐसे दिखेगा। देखो CH2, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अंदर डालेगा, फिर ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पे बन जाएंगे, मतलब वापस से ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये दोनों इसके हो गए क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर बोलोगे इनको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट इसी का अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो कहाँ कहाँ पे बॉन्ड थे जिनको तुम रेजोनेटिंग हाइब्रिड बोलते हो, ठीक है। बॉन्ड एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी बन रहा है, तो हाइब्रिड देखो हम लोग कैसे बनाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। चेंज किस में आ रहा था, डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी। तो इनको ऐसे हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कि ये बॉन्ड तीनों जगह में से कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, ठीक है। तो जहां जहां तक बॉन्ड शिफ्ट करेगा हम लोग खाली वहां तक ही हाइब्रिड बनाते हैं। इस कंडीशन में खाली यहाँ यहाँ पे हो रहा था, जबकि पहले वाले में देखो पूरे स्ट्रक्चर में हो रहा था ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है अपने को, और ये पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बनेंगे, और हाइब्रिड तो हमेशा एक ही बनेगा किसी भी स्ट्रक्चर का। ठीक है, रेजोनेंस कहाँ कहाँ तक मूव कर रहा है, ये इसके क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट अगर मेरे को हाइब्रिड बनाना होता तो मैं क्या बनाता था इसका बताओ। ये बेंजीन है, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बन रहे थे, एक यहाँ पे पॉसिबल था और दूसरा रेजोनेंस की वजह से इस पे चला जा रहा था, तो इतने में खाली रेजोनेंस घूमेगा।
ये हाइब्रिड हो जाएगा इसका। लास्ट कंडीशन थी अपने पास कि डबल बॉन्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अल्टरनेट पे फ्री रेडिकल होने चाहिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट पे क्या है, फ्री रेडिकल है। मतलब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे बन सकता है। कहाँ पे बनेगा जानते हो? एक बार ये तो बना है, एक बार यहाँ पे बनेगा ऐसे। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर बन गए। इन स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ना यहां से यहां पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कहां पे शिफ्ट होगा जानते हो? डायरेक्ट इसके ऊपर ऐसे दिखेगा। तो फाइनली जो इसका स्ट्रक्चर मिलेगा तुमको हाइब्रिड वाला, वो कैसे दिखेगा? ऐसे, CH टू सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और CH2। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पे बना। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होता क्या है देखो, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान से देखो, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये कार्बन दोनों क्या करते मालूम, इस पाई बॉन्ड को ऐसे बीच से ब्रेक कर लेते। जब ये बीच से ब्रेक कर लेंगे तो इस CH2 के पास सिग्मा तो एज इट इज पड़ा रहेगा, यहाँ पे CH, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन किस पे चला गया, इस पे चला गया। फिर आगे अपने पास क्या है, CH और CH3, इसके पास पहले से एक था, अभी दिख रहा है ये। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करते मालूम है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेते ऐसे, दिख रहा है। और फ्री रेडिकल किस पे बच गया, अब इस पे बच गया, राइट है। इसीलिए हम लोग इनको ऐसे रेजोनेटिंग दिखाते हैं, एक बार बॉन्ड यहाँ पे बनेगा और एक बार बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जिसके वजह से इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, समझा? में ये जो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है, ये सिर्फ इसलिए होती है कि ये स्ट्रक्चर को और स्टेबिलिटी दे सके। ठीक है, द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी फेनोमेना को, दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, शॉर्ट में अगर तुम बोलना चाहो तो रेजोनेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, जब भी हमको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए या किसी भी कंपाउंड को समझने के लिए, मैं एक स्ट्रक्चर से मतलब वेरीफाई नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो ऐसे फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं।